और नारद जी कहते मेरा वह शरीर उसने जब अपने प्रारब्ध को शेष कर लिया और उसके बाद प्रलय हो गया, मेरा जन्म ब्रह्मा जी की गोद से हो गया मानस पुत्र के रूप में, उत्संगान नारदो जग्ये, ब्रह्मा जी की गोद से मेरा जन्म हो गया। और ब्रह्मा जी ने मुझे भागवत धर्म का उपदेश किया। भगवान नारायण ने अपना प्रिय पार्षद बना लिया और ये वीणा मेरे हाथ में थमा दी। ये वीणा किसी कारीगर की बनाई नहीं है, ये किसी वाद्य यंत्रों वाली दुकान से खरीदी गई वीणा नहीं है। ये वीणा कैसी है? देवदत्ता मिमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानस चराम्यं गायमानस चराम्यं। ये भगवान के द्वारा दी हुई वीणा को जब मैं छेड़ता हूं तो भगवान का मंगलमय स्वरूप मेरे नेत्रों के सामने प्रकट हो जाता है। इस वीणा पर लोकगीत नहीं गाए जाते हैं, स्वर ब्रह्म विभूषिता, ये स्वर ब्रह्म नाद ब्रह्म से विभूषित वीणा है, इस पर केवल और केवल भगवत गुणगान होता है। हमारे भारतवर्ष के एक महान सिद्ध संत थे, परम पूज्य गुरुदेव डीआर स्वामी श्री पार्वतीकर जी महाराज, वीणा बाबा बद्रीनाथ में विराजते थे। उन्होंने वीणा के संपूर्ण रागों को भगवान नाम में ही निबद्ध किया था। उनकी वीणा की जितनी गतें हैं, नारायण नारायण भज नारायण श्री नारायण जय जय नारायण, इन्हीं में सारी गति गतें। छियानवे या 98,000 के करीब गतें उन्होंने बनाई, विलक्षण थे। देवर्षि नारद जी का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, श्री गरुड़ जी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, भैरव राग का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। बड़े अच्छे महापुरुष थे, हमारे ऊपर बड़ी कृपा थी। तो वो कहते थे कि वीणा के संपूर्ण रागों को रागनियों को भगवान नाम में निबद्ध करने का प्रयोजन यही है कि भीतर से सारे गामा न चले, दादर दारा न चले, भीतर से केवल नाम चले, केवल नाम चले भीतर से। जय जय श्री राधे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।